Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here is a book, children. The name of your book is Literary Journeys. And today we are going to start with chapter number 4. And the name of the chapter is Mowgli Finds His Family. So let's move on to warming up. In this excerpt from the Jungle Book, a human cub is adopted by a pack of wolves. So ये कहानी है जो Jungle Book से ली गई है, जिसमें कुछ एक human के बच्चे को कुछ pack of wolves पाल रहे हैं. Where jungle animals meet Baloo, the bear and Bagheera, the black panther. जहाँ पे ये जो जंगल के एनिमल्स हैं, ये बलू से मिलते हैं, जो एक बियर था, और बगीरा जो एक ब्लैक कलर का पैंथर था. Testimony and human cub Mowgli is adopted in the family by the Akela's father wolf and mother wolf in exchange for a dead bull. So एक डेड बुल के एक्सचेंज में इस अकेला के फादर और मदर ने मोगली को अडॉप्ट किया था. द बिग कैट फैमिली हैज मेनी मेंबर्स. जो कैट फैमिली है उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड सी इफ यू कैन नेम देम. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप कह सकते हो लायन या फिर टाइगर के ही रूप हैं. कोई यहाँ पे लायन है तो कहीं टाइगर है, कहीं चीता है, कहीं पैंथर है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नेम देम. So this is your homework, children. Do it yourself. Now let's start the chapter. Father Wolf waited till his cubs could run a little. तो जो father wolf थे वो wait कर रहे थे कि उनके जो cubs थे वो जल्दी से बड़े हो जाए और थोड़ा बहुत दौड़ सके. And then on the night of the pack meeting, took them and Mowgli and mother wolf to the council rock. तो अब क्या हुआ, उसी रात में क्या हुआ कि एक मीटिंग रखी गई जिसमें इन सबको बुलाया गया, जहाँ पे मोगली और मदर वुल्फ भी थे. कहाँ पे थी ये मीटिंग? काउंसिल रॉक पे थी. ये एक हिल टॉप कवर्ड विद स्टोन, ये एक ऊंची जगह थी जहाँ पे स्टोन से जिसे कवर किया जाता है, और बोल्डर्स से, मीन्स ये भी बड़े बड़े पत्थर है, उनसे कवर किया था इस एरिया को. वेयर 100 वुल्फ्स कुड हाइड, जहाँ पे बहुत सारे वोल्स छुप सकते हैं, ये ऐसी जगह है. अकेला द ग्रेट ग्रे लॉन फॉक्स वुल्फ वुड लेड ऑल द पैक्स बाय स्ट्रेंथ एंड कनिंग. सो अकेला जो था, आप कह सकते हो इनका जो है आप कैप्टन था, वो एक ग्रे कलर का लोन वुल्फ था, एंड ये जो भी पैक ऑफ वुल्फ थे उन सबको अपने स्ट्रेंथ से और अपने कनिंग वे से जो है गाइड करता था. ले आउट ऑल फुल लेंथ ऑन हिज रॉक एंड बिलो हिम सैट 40 और मोर वुल्व्स इन एवरी साइज एंड कलर. तो ये अकेला क्या करता था, ये ऊपर रॉक पे बैठा रहता था और नीचे रॉक के नीचे मीन्स 40 से लेके ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी वुल्व्स हर साइज और कलर के नीचे बैठ के अकीला की बातों को सुना करते थे. फ्रॉम बैजर कलर वेटरन्स हु कुड हैंडल अ बक अलोन टू यंग ब्लैक 3-year-old हु थॉट दे कुड. तो यहाँ पे हर वैरायटी के बैजर कलर्ड वेटरन्स से लेके 3-year-old जो वुल्फ्स थे वो सब यहाँ पे मौजूद थे. द लोन वुल्फ हैड लेड them for a year now. अब ये जो लोन वुल्फ था, इसने जो है इन सबका ध्यान एक साल से रखा हुआ था. He had fallen twice into the wolf trap in his youth and once he had been beaten and left for dead. तो अकेला जो है वो दो बार वुल्फ ट्रैप में फंस चुका था और एक बार वो मरते मरते भी बचा था. So he knew the manners and customs of men. तो उसे पता था कि लोग कैसे वुल्फ का शिकार करते हैं, उसे सब बातें पता थी. देयर वॉज अ वेरी लिटिल टॉकिंग एट द रॉक. अब वहाँ पे रॉक पे लोग बहुत कम बात किया करते थे.
The cubs stumble over each other in the center of the circle where their mothers and fathers sat. अब जब ये वुल्स थे, उनकी फैमिली वहाँ पे जाती थी, बैठती थी मीटिंग के लिए, तो जो मदर फादर वुल्स थे वो बैठते थे और उनके जो बेबीज थे वो कडल करते थे, खेला करते थे वहाँ पे. एंड नाउ एंड अगेन अ सीनियर वुल्फ वुड गो क्वाइटली अप टू द कब, लुक एट हिम केयरफुली एंड रिटर्न टू हिज प्लेस ऑफ नॉइजलेस फीट. अब क्या होता था, इन जितने भी वुल्स थे उसमें से एक सीनियर वुल्फ जाता था, इन कब्स को देखता था, चुपके से वापस अपनी जगह पे आ जाया करता था. समटाइम्स हर मदर वुड पुश हर कब फार आउट इनटू द मूनलाइट टू बी श्योर दैट ही हैड नॉट बीन ओवरलुक्ड. तो कई बार क्या होता था, जो मदर वुल्फ थी वो अपने कब को मूनलाइट में, मीन्स चांद की रोशनी में भेज देती थी, ताकि जो है वो कहीं खो ना जाए. अकीला फ्रॉम हिज रॉक वुड क्राई. अकीला अब अपने उस बड़े से रॉक पे बैठा होता था और वहां से बोलता था, ये नो द लॉ. लुक वेल ओ वुल्स एंड द एंग्शियस मदर्स वुड टेक अप द कॉल. लुक वेल ओ वुल्स. तो अकीला वहां बैठ के सबको लॉज समझाता था कि क्या क्या लॉज हैं. At last, the mother wolf's neck bristle lifted as the time came. Father wolf pushed Mowgli the frog. So, बाद में क्या हुआ, जो मदर वुल्फ थी उनका जो नेक था वो उन्होंने ऊपर उठाया और तभी जो है फादर वुल्फ आए और उन्होंने मोगली को आगे की तरफ पुश कर दिया और उसका नाम क्या था, मोगली द फ्रॉग. As they called him into the center, where he sat laughing and playing with some pebbles that glistened in the moonlight. तो अब जो है उन्हें वो मोगली मिला था उन सब वुल्फ्स को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए मोगली को आगे कर दिया. उसे मोगली द फ्रॉग कहा जा रहा था क्योंकि वो फ्रॉग की तरह बैठा हुआ था और वो वहाँ बैठ के हंस रहा था, खेल रहा था कुछ पत्थरों से जो ग्लिसन मीन्स चमक रहे थे चांद की रोशनी में. Akela never raised his head from his paws but went on with the monotonous cry. So Akela jo hai us awaaz ko sun ke wo wahan pe apne aap ko rok nahi paya. Look well, a muffled roar came up from behind the rocks, the voice of Sher Khan crying. Ab piche se usne kya dekha ki Sher Khan ki awaaz aa rahi hai aur wo कुछ कह रहा है. द कब इज माइन, क्या कह रहा है शेर खान, वो कह रहा है ये जो बच्चा है ये मेरा है. कौन बच्चा, मोगली. गिव हिम टू मी, वॉट हैव द फ्री पीपल टू डू विद द मैन्स कब. अब शेर खान और अकीला दोनों में लड़ाई शुरू हो गई किस बात पे कि ये बच्चा मुझे दे दो, तुम क्या करोगे इस बच्चे का, और एक ये एक इंसानी बच्चा है इसका तुम क्या करोगे. अकीला नेवर एवर ट्विस्ट हिज ईयर्स, उसने कभी भी अपने ईयर्स को ट्विच नहीं किया था. ऑल ही सेड वॉज, लुक वेल ओ वुल्फ्स, वॉट हैव द फ्री पीपल टू डू विद द ऑर्डर ऑफ एनी, सेव द फ्री पीपल, लुक वेल. तो उसने रिप्लाई किया शेर खान को कि हमें फ्री पीपल से कुछ नहीं करना है, तुम्हें भी कुछ नहीं करना होगा और हम चाहते हैं इसको बचाना, बस और कुछ नहीं चाहते हैं. There was a chorus of deep growls. अब जो है हर तरफ क्या था, गुर्राने की आवाज आने लगी थी. And the young wolf in his fourth year flung back Sher Khan question to Akela. और what have the free people to do with the man's cup? अब अगेन शेर खान का क्वेश्चन आया कि तुम लोगों को, तुम फ्री लोगों को एक मैन के बच्चे से क्या करना है. नाउ द लॉ ऑफ द जंगल लेज डाउन दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट एज टू द राइट ऑफ द कब टू बी एक्सेप्टेड बाय द पैक. तो उन्होंने कहा कि जंगल का एक रूल बन चुका है और उसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कब मिलता है तो उस पर किसका हक है, पैक का हक है, मीन्स वुल्फ्स का हक है. He must be spoken for by at least two members of the pack who are not his father and mother. So,
अब जो है उसका ध्यान कौन रखेगा? ऐसे दो लोग जो फादर और मदर नहीं हैं उस पर्सन के, और वो क्या है, उस पैक से बिलोंग करते हैं। हु स्पीक्स फॉर द कप? अब शेर खान ने बोला कि इस कप की तरफ से कौन बोलने वाला है, सॉरी अकेला ने पूछा इस कप की तरफ से कौन बोलेगा। अमंग द फ्री पीपल हु स्पीक्स देयर वॉज नो आंसर एंड मदर वुल्फ got ready for what she knew would be her last fight if things came to fighting. अब मदर वुल्फ को क्या चाहिए था? वो चाहती थी कि मोगली को वो अपने पास रखें, तो उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई करनी पड़े, लेकिन मैं आज हार नहीं मानूंगी। Then the only other creatures who is allowed at the pack council. तो वहाँ पे उस pack council में कुछ ही लोग allowed थे, और उसमें था बलू, द स्लीपी ब्राउन बेयर हु टीचेस द वुल्फ कब्स द लॉज ऑफ द जंगल। अब ये जो बेयर था बलू, वो क्या करता था? उसका काम था जितने भी वुल्फ कब्स थे उन्हें, जो भी जंगल के लॉज थे उन्हें सिखाने का काम था उसे। ओल्ड बलू हु कुड हु कैन कम एंड गो वेयर ही प्लीजेस बिकॉज ही ईट्स ओनली नट्स एंड रूट्स एंड हनी। तो ये जो बलू था वो जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, और ये क्या खाता था? सिर्फ नट्स को खाता था, रूट्स को और हनी को खाता था। रोज अप हिज हैंड क्वार्टर्स एंड ग्रंटेड। तो उसने अपनी बॉडी को ऊपर उठाया, लेटे हुए पोजीशन में था, उसने बॉडी को उठाया और उसने ग्रंट किया, मीन्स एक आवाज़ निकाली। द मैंस कप ही सेड आई स्पीक फॉर द मैंस कप देर इज नो हार्म इन अ मैंस कप I have no gift of words, but I speak the truth. Let him run with the pack and we enter with the others. I myself will teach him. अब बलू ने क्या बोला? क्योंकि दो लोगों की ज़रूरत थी जो उस बच्चे को अपनाना चाहते हैं, तो अब बलू ने कहा कि मैन के कब में क्या दिक्कत है? मुझे उसमें कोई भी नुकसान नहीं दिखता, कोई हार्म नहीं दिखता, और I have no gift of words, मेरे पास words की ताकत तो नहीं है, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और इसे इस बच्चे को पैक के साथ रहने दो और इन्हें जो है एंटर करने दो हमारी सोसाइटी में, और मैं खुद इसका ध्यान रखूँगा, मैं इसे खुद सिखाऊँगा। तो अब इतनी बातें सुनने के बाद आगे क्या हुआ? We need yet another, said Akila. तो आप जो है अकीला ने कहा कि चलो बलू तो रेडी हो गया, अब हमें कोई दूसरा पर्सन भी चाहिए जो डिसीजन को यस बोल सके। बलू हैड स्पोकन एंड ही इज आवर टीचर फॉर द यंग कप्स हु स्पीक्स बिसाइड बलू। तो बलू ने बोल दिया है कि वो जो है सिखाएगा इस बच्चे को, हमारे वुल्स के साथ रहना चाहिए इसको। तो और कौन है जो बोलना चाहेगा? बलू तो हमारे बच्चों का टीचर भी है। A black shadow dropped down into the circle. इतना बोलते ही एक काली परछाई आई सर्कल में। It was Bagheera the black panther. ये बगीरा था जो एक काले रंग का पैंथर था। इनकी ब्लैक ऑल ओवर, पूरी बॉडी पे ये ब्लैक कलर का था, बट विद द पैंथर मार्किंग्स शोइंग अप इन द सर्टन लाइट लाइक द पैटर्न्स ऑफ वाटर्ड सिल्क। तो इसकी बॉडी को डिस्क्राइब किया गया है कि बगीरा की बॉडी यहाँ पे कैसी थी। एवरीबडी न्यू बगीरा एंड नोबडी केयर्ड टू क्रॉस हिज पाथ। सो सब कोई बगीरा के बारे में जानता था, कोई उसका रास्ता नहीं काटता था। फॉर ही वॉज एज कनिंग एज तबाकी, वो बहुत ज़्यादा कनिंग था, और किसकी तरह? तबाकी की तरह। एज बोल्ड एज अ वाइल्ड बफेलो, बफेलो वाइल्ड बफेलो की तरह बोल्ड था। And as reckless as the wounded elephant, और एक wounded elephant means एक घायल elephant की तरह reckless भी था। But he had a voice as soft as wild honey, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही soft थी honey की तरह, जैसे कि honey drip करती है tree से गिरती है। And a skin soft than down, और उसकी skin भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। ओ अकीला एंड ये द फ्री पीपल ही पर्ड,
I have no right in your assembly, but the law of the jungle says that if there is a doubt, which is not a killing matter in regard to a new cub, the life of that cub may be brought at a price. तो आप सबने मिलकर डिसाइड किया, ये कहा गया कि ऐसी कोई भी असेंबली होगी जहाँ पे एक बच्चे को बचाने की बात होगी तो उसमें मैं आगे रहूँगा, और एंड द लॉ डज नॉट से हु मे और मे नॉट पे द प्राइस, तो इसके लिए एक प्राइस दी जाएगी और लॉ ये नहीं बोलता कि ये प्राइस कौन देगा. एम आई राइट? गुड गुड, सेड द यंग वुल्फ हु वर ऑलवेज हंग्री. तो ये जो यंग वुल्फ थे उन्होंने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम. लिसन टू बगीरा, द कब कैन बी बॉट फॉर अ प्राइस. तो सबने बगीरा की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है इसके लिए एक प्राइस देना होगा. इट इज द लॉ स्पीक देन. तो अब उन्होंने कहा कि एक लॉ है जिसके लिए इस बच्चे के अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो उसके बदले आपको एक प्राइस देना होगा. तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि क्या प्राइस दिया जाए. टू किल अ नेकेड कब इज अ शेम, बिसाइड्स ही मे मेक बेटर स्पोर्ट फॉर यू वेन ही इज ग्रोन. तो आप सब ने कहा कि ये एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास कपड़े भी नहीं है, ऐसे बच्चे को मारना ये बहुत ज़्यादा शेमफुल है. तो अब हमें क्या करना है, हो सकता है ये बच्चा आगे जाके हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो. बलू हैज स्पोकन ऑन हिज बिहाफ, बलू ने उसके बिहाफ पे बोला. नाउ टू बलूज वर्ड्स आई विल एड वन बल एंड अ फैट वन, न्यूली किल्ड नॉट हाफ a mile from here, if ye will accept man's cub according to the law, is it difficult? तो अब उन लोगों में आपस में बात होने लगी कि ठीक है, अगर इस बच्चे के बदले कोई प्राइस देना है तो ठीक है, मैं जो है एक बुल जो है आपको एज अ प्राइस देना चाहता हूँ. वो एक बहुत ही मोटा बुल है और आधा खाया हुआ नहीं है, फुल बुल है जिसे आप ले सकते हो इस बच्चे के बदले. और मुझे लगता है कि ये राइट होगा, लॉ के खिलाफ नहीं होगा. देयर वॉज अ क्लैमर ऑफ स्कोर्स ऑफ वॉइसेस. सो जो लोगों की जो आवाज थी, जो जितने भी वुल्फ्स थे सबकी आवाज थी, क्या थी? व्हाट इज द मैटर, ही विल डाई इन द विंटर रेन्स, ही विल स्क्रॉच इन द सन, व्हाट हार्म कैन अ नेकेड फ्रॉग डू अस. तो सब ने कहा कि अरे ये तो सर्दी में मर भी सकता है, गर्मी में जल भी सकता है, ये छोटा सा बच्चा हमारा क्या नुकसान कर सकता है. लेट हिम रन विद द पैक, तो चलो इस बच्चे को इन भेड़ियों के साथ छोड़ देते हैं. वेयर इज द बुल, बघीरा, लेट हिम बी एक्सेप्टेड, चलो हम उस बुल को एक्सेप्ट कर लेते हैं. And then came Akela deep bay crying, look well, oh wolves. तो अब जो है ये डील हो चुकी थी, शेर खान ने एक्सेप्ट कर लिया था ये सारी जो डीलिंग हुई थी. तो उसने पहले सोचा कि ये एक इंसान का बच्चा है, इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसानदायक है. तो अब लास्ट में सबने ये डिसाइड किया, जब शेर खान को पता चला कि एक बोल के एक्सचेंज में वो बच्चा जो है उसे देना, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये बच्चा ही है, हो सकता है विंटर तक मर जाए, हो सकता है समर तक मर जाए, ये हमारे लिए क्या नुकसान कर सकता है, चलो हम बुल को ले लेते हैं. तो उन्होंने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया. मोगली वॉज स्टिल डीपली इंटरेस्टेड इन द पेबल्स, अभी भी मोगली क्या कर रहा था, उन छोटे छोटे पत्थरों से खेल रहा था. एंड ही डिड नॉट नोटिस व्हेन द वुल्व्स केम एंड लुक्ड एट हिम वन बाय वन, तो उसने ये भी नहीं देखा कि कब कौन सा वुल्फ आया, उसे देखता हुआ चला गया. एट लास्ट दे ऑल वेंट डाउन द हिल फॉर द डेड बुल, अब जो लास्ट में क्या, वो सारे जो है डेड बुल के पास चले गए. एंड ओनली अकेला बगीरा बलू एंड मोगलीज ओन वुल्फ्स वर लेफ्ट, सो सिर्फ ये लोग वहाँ पे उस रॉक पे रह गए थे, बाकी सब चले गए थे. शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम. शेर खान अभी भी गुस्से में था, क्यों? क्योंकि मोगली को उसे हैंड ओवर नहीं किया गया था. ए रोर वेल, सेड बघीरा अंडर हिज विस्कर्स,
For the time will come when this naked thing will make three roar to come to another tune. Or I know nothing of man. तो अब बगीरा जो बहुत ज़्यादा खुश था उसने बोला कि एक समय आएगा जब ये जो बच्चा है छोटा सा ये हमारी तरह ही रोर करेगा. It was well done, said Akela. Akela ने कहा बहुत अच्छा हुआ. Men and their cubs are very wise. जो men हैं और उनके जो cubs हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. He may be a help in time. और ये हो सकता है हमारे लिए आगे जाके helpful हो. Truly a help in time of need, for none can hope to lead a pack forever, said Bagheera. So Bagheera ने कहा कि हाँ हो सकता है ये आगे जाके हमारी help करे. Akela said nothing. He was thinking of the time that comes to every leader of every pack when his strength goes from him and the great feeble and he gets feeble and feeble. So Akela क्या सोचता है? सोचने लगता है. उसने कुछ नहीं कहा और वो सोचने लगता है कि एक समय ऐसा आता है जब हर किसी को अपने लीडर के पोस्ट से हटना होता है. कब हटना होता है? जब वो इंसान काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है. टिल एट लास्ट ही इज़ किल्ड बाय द वुल्व्स एंड अ न्यू लीडर कम्स अप. और एक समय आता है जब कोई नया वुल्फ आके उसका शिकार कर लेता है, उसे मार देता है और उसे नया लीडर बना दिया जाता है. To be killed in his turn. और ऐसे ये turn चलता रहता है. Take him away, he said to Father Wolf, and train him as befit one of the free people. तो अब अकेला ने बोला इसे ले जाओ और इसे train करो जैसे free people को train किया जाता है. And that is how Mowgli was entered into the Sion's wolf pack for a price of a bull and on Baloo's गुड वर्ड्स. तो बलू के गुड वर्ड्स और प्राइस ऑफ अ वुल, इन दोनों की वजह से मोगली की एंट्री हुई थी अकीला की फैमिली में. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. एंड डू यू नो दैट हु इज द राइटर? रुडयार्ड किपलिंग इज द राइटर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग. हियर द फर्स्ट वर्ड इज बाल्डर्स विच मीन्स लार्ज रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर. Veteran, those with a lot of experience, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा experience होता है. Monotonous here means becoming high or lower. Twist means move suddenly. Save means accept. Dispute means disagreement, किसी चीज़ को ना मानना. Down means soft feathers of a bird. So down क्या है? जो bird के जो soft feathers होते हैं, down feathers कहते हैं. Now let's move on to book exercise and here comes the comprehension. A part is multiple choice questions. First one is the black shadow belongs to Mowgli, Akela, Bagheera or Baloo. So it is Bagheera. Who was Mowgli? What was Mowgli doing when the pack was discussing about him? So he was sleeping, playing with pebbles, shivering, playing with wolf cubs. So now the second question is, what was Mowgli doing when the pack was discussing about him? Sleeping, playing with pebbles, shivering, playing with wolf cubs. So he was playing with pebbles. Now the third question is, who decided to speak for Mowgli? Bagheera, Baloo, Akela or Tabaki? So it was Baloo. And the rest, fourth one, children, you have to do yourself. Now children, let's move on to B exercise, which is complete this summary of the story using the words from the box. So you have to use this box to complete the summary. So Father Wolf took Mowgli to the dash to be recognized by the wolf. So the correct answer is Council Rock. The cubs tumbled over each other as they dashed, sat in a circle around them. So the correct answer is parents. So you have to write here parents. Similarly children, you have to complete the rest of the fill in the blanks. Next comes true false, which is the C exercise of your book. Write T for true and F for false.
Only a few wolves could hide on the hilltop. No, this is false. Mowgli was called Mowgli the frog. Yes, this is correct. Akela believed that Mowgli would be of help in future. Yes, this one is also correct. So do the rest as your homework. Now the D question is, explain why Akela said this. So men and their cubs are very wise. He may be a help in time. So you have to explain this. कि men और उनके cubs बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये हमारी आगे जाके help करेंगे. So ऐसा अकेला ने क्यों कहा? You have to explain this in your own words. So do this on your own. And with this, children, we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.